और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां सरपंच पति की हत्या की साजिश रची गई थी। सरपंच पति की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि वह हादसे का शिकार होकर आग से जले थे। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। हादसे को हत्या का स्पॉट बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे इस पर कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल जनेह थाना के पपौरा ग्राम निवासी जितेंद्र सिंह 28 जुलाई की रात अपने फार्म हाउस में सो रहे थे। वहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। घर वालों ने 4 लोगों द्वारा उनको जिंदा जलाकर हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस मामला दर्ज कर संदेहियों से लगातार पूछताछ कर रही थी। पुलिस जांच में इस पूरे मामले की सत्यता सामने आ गई है। सरपंच पति की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि हादसे का शिकार होकर आग से झुलस गए थे और बाद में घटना को हत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था। बताया जाता है कि घटना दिनांक को कमरे के अंदर बिजली तारों से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने की वजह बिजली तारों के जलने से जहरीला धुआं उनके शरीर के अंदर चला गया और वे बेहोश हो गए। बाद में उनके शरीर का आंशिक भाग भी जल गया और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद इसे हत्या का रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि उनके शरीर में केरोसिन के कण नहीं मिले हैं, बल्कि तार जलने के जहरीले धुएं के कण मिले हैं। इस घटना के बाद जिन लोगों द्वारा हत्या की साजिश रची गई थी, उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही की तैयारी कर रही है। पुलिस की माने तो वैज्ञानिक परीक्षण से पूरे राज का खुलासा हुआ है। घटनास्थल की सत्यता वैज्ञानिक परीक्षण में सामने आई है। बाहर खड़े वाहनों में केरोसिन डाला गया और समीप ही खाली जरी केन मिली, जिसका ढक्कन काफी टाइट था। जिस स्थान से आरोपियों के भागने की जानकारी दी जा रही थी, उस खिड़की से निकल पाना भी संभव नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य घटना की जांच कर रही टीम को उस समय मिला जब पुलिस पोल्ट्री फार्म के दीपक सिंह के मोबाइल को चेक किया। उसके मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग में घटना के बाद चारों को फंसाने की चर्चा की गई थी। फरियादी ने किसी को भी वहां से भागते नहीं देखा था, बल्कि वह घटना का प्लान तैयार किया गया था। पुलिस ने चारों की कॉल डिटेल निकलवाई तो उनकी लोकेशन दूसरी जगह मिली थी। अब पुलिस साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी कर रही है।